फिल्मों से ज्यादा संगीता बिजलानी सलमान खान से अफेयर को लेकर चर्चा में रही हैं। दोनों साल 1986 में एक दूसरे के करीब आए और करीब 10 साल तक एक दूसरे को डेट किया। कहा तो यहाँ तक जाता है कि सलमान और संगीता बिजलानी की शादी की तारीख भी आ गई थी। यही नहीं, शादी के कार्ड भी छप गए थे। लेकिन इसी बीच पूरे इवेंट पर पानी फिर गया था। सलमान ने भी कॉफी विद करण में कबूल किया था कि कैसे वो शादी के बेहद नजदीक आ गए थे। करण जौहर ने जब सलमान से पूछा कि क्या शादी के कार्ड छप गए थे, तो सलमान ने हामी भरी थी। दरअसल सलमान खान की जिंदगी में एक्ट्रेस सोमी अली आ गई थी। संगीता को जब सोमी अली से सलमान की नजदीकियों की बात पता चली तो उन्होंने शादी तोड़ने का मन बना लिया। सलमान से रिश्ता खत्म करने के बाद संगीता ने क्रिकेटर अजहरुद्दीन से शादी का मन बनाया। लेकिन अजहर पहले से शादीशुदा थे, उनके दो बेटे भी थे, लेकिन संगीता पर इसका प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा। अजहर की पहली पत्नी नौरीन को इसकी जानकारी मीडिया के जरिए ही मिली थी। संगीता के लिए अजहर ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया। वहीं संगीता ने इस्लाम धर्म कबूल कर शादी कर ली। उन्होंने अपना नाम आयशा रखा। लेकिन संगीता और अजहर का रिश्ता उस समय टूट गया जब अजहर का नाम बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा से जुड़ा, जिसके बाद साल 2010 में दोनों का तलाक हो गया। वहीं संगीता बिजलानी और सलमान खान आज भी अच्छे दोस्त हैं और अक्सर उन्हें सलमान खान के घर पर होने वाली पार्टीज में देखा जाता है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।